क्वेश्चन दिया था, मैच क्या आंसर कितनों का हो गया? किसी का नहीं हुआ, चलो ठीक है, होगा सर। बेटा सेम सेम सवाल है, उसको वर्टिकल में कर दिया, एक आई वन माना एक आई टू माना, तो बीच वाले से कितना जाएगा? आई वन प्लस या आई वन माइनस? आई वन माइनस। देखो इधर जो प्रॉब्लम है, इसको बोला I2, इसको बोला I1, तो ये कितना हो जाएगा? I1 माइनस, देखो देखो सर, I2 माइनस I1। ओके देख देख देख, ये वाला क्या हो रहा? इन हो रहा। ये वाला क्या हो रहा? इन हो रहा। ये जंक्शन से क्या कर रहा? बाहर जा रहा। तो सम ऑफ ऑल इनकमिंग, ये जंक्शन पे आ रहा, ये जंक्शन पे आ रहा, ये बाहर जा रहा, तो इनकमिंग मान लेते हैं यहां से x आता, तो इनकमिंग कितना? i2 plus x बराबर कितना? आउटगोइंग, आउटगोइंग कितना है? i1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? i1 minus i2, ये इनको ऐड कर लो, देखो i1 minus i2 plus i2 कितना बचेगा? i1, जो कि बाहर जा रहा है। ठीक है, समझ में आई? ओके, अब करना क्या है? दो रूम्स बना लो, एक ये बना लो, और दूसरा वाला कौन सा, छोटा लेना है बड़ा? बड़ा लेना है, बड़ा वाला ले लो। ठीक है, सो पहला वाला ए बी सी डी ई एफ, अगर मैं ए बी सी डी बनाऊ तो ए बी सी डी में क्या हो जाएगा? ए से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे गए माइनस फोर, करंट कहाँ से जा रहा? इधर से ही जा रहा, तो माइनस आई वन इंटू टू। फिर अपन गए इसके अंदर, इसके अंदर करंट कहां से काम शुरू कर रहा? इधर से वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो दिस इज माइनस कितना? आई वन माइनस आई टू इंटू टू, वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो। तो यहां से देखिए कितना हो, ये माइनस टू आई वन, तो ये हो गया माइनस थ्री आई वन, ये कितना हो गया? प्लस आई टू, अच्छा ये अच्छा टू टाइम्स है, टू टाइम्स है, तो दिस इज फोर एंड दिस इज टू आई टू, ये कितना हो जाएगा? फोर। एक इक्वेशन आ गई, इसमें चाहो तो और भी रिड्यूस कर सकते हैं अपन, कितना करेंगे इसको? टू आई वन प्लस आई टू बराबर टू, तो ये इक्वेशन वन हो गया। दूसरा देखो, दूसरा इससे चलेंगे आप, ये थोड़ा सा आसान लग रहा। देखो एक दो तीन एलिमेंट है, इसमें क्या है? एक दो तीन चार, और मैं छोटे वाले से चल जाता, कितने से? सी एफ ई डी, बड़े से भी क्या, क्योंकि आंसर तो सी में आना है, तो यहां से मैंने सी से स्टार्ट किया, करंट कहां जा रहा? इधर जा रहा आई टू, तो ये पहला फर्स्ट केस में माइनस आई टू इंटू फोर, फिर कितना आएगा? प्लस सिक्स वोल्ट, फिर कितना आएगा? प्लस सिक्स वोल्ट, फिर कितना जाएगा? इधर, और इसके थ्रू क्रॉस किया, ये करंट के डायरेक्शन से अपोजिट चल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? ड्रॉप के ऐड ऐड हो जाएगा, प्लस I1 माइनस I2, वोल्टेज सॉरी रेजिस्टर कितना है? 2 बराबर कितना? 0। तो ये देखो ये कितना हुआ, माइनस 4 I2 प्लस 2 I1 माइनस 2 I2 प्लस 6 इज 0, तो यहां से कितना बचेगा? 2 I1 माइनस 6 I2 इज इक्वल्स टू माइनस 6, तो I1 माइनस 3 I2 इज इक्वल्स टू माइनस 3। देख ये और ये सॉल्व करो, दो इक्वेशन सॉल्व करो,
सॉल्व करो कितना आएगा, इसको टू टाइम्स कर दो, पहले से टू टाइम्स आएगा, माइनस टू आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू टू, ये ऊपर वाला जो था टू आई वन माइनस सिक्स आई टू प्लस सबको ऐड कर दो तो जीरो हो गया, जीरो हो गया, ये कितना हो जाएगा माइनस फाइव आई टू, ये कितना हो जाएगा फोर, माइनस माइनस कट गया, आई टू कितना है फोर बाई फाइव, कितना होता है जीरो पॉइंट एट एम्पीयर्स। क्या डायरेक्शन सही आ रही है, पॉजिटिव वाला तो डायरेक्शन सही, आई टू की वैल्यू पता चल गई, आई वन कितना है, आई वन इज माइनस थ्री प्लस थ्री टाइम्स आई टू दैट इज पॉइंट एट, ये कितना आएगा माइनस जीरो पॉइंट सिक्स। तो मैंने आई वन की डायरेक्शन जो ली है उससे क्या है वो कितना है, देखो आंसर देखो सर आई गेट द आंसर पक्का, केवीएल केसीएल हो गया, नेक्स्ट हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, अरे ज्यादा हार्ड तो नहीं है यार ये, बस आपको साइन गलती कहां होगी, साइन में गलती हो जाएगी आपकी, ठीक है इजी ही है, ओवरऑल चैप्टर बहुत इजी है, बस साइन का ही फंगा है। क्या देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की जब अपन बात करेंगे तो कितने आपने पढ़ रखे अभी तक, सीरीज है अच्छा, ये देखिए यहां पे और यहां पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे पास बैटरी है 10 वोल्ट, ठीक है 10 वोल्ट बैटरी है, ये जो है R1 दिस इज 2 ओम एंड R2 इज 3 ओम, ठीक है R1 इज 3 ओम, R1 इज 2 ओम, R2 इज 2 एंड दिस इज 3, अच्छा अब करंट कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है करंट कितना होगा 2 एम्पीयर, तो करंट जो है अपने को पता है कुछ हाई होगा, तो क्या मैं इससे लिख सकता हूं 10, यहां से शुरू किया 10 माइनस आई वन सॉरी आई इंटू आर वन माइनस आई इंटू आर टू दिस इज जीरो, तो यहां से क्या लिख सकता हूं उसको उधर ले जाओ, आई आर वन प्लस आर टू बराबर कितना 10, ओके तो हम इसका क्या लेना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं इस रजिस्टर को अपन एक सिंगल रजिस्टर से कनेक्ट मार दें, सिंगल रेजिस्टर से करंट मार दे 10 वोल्ट हो और करंट सेम ही फ्लो करे, तो इसका इक्वेशन क्या होगा 10 माइनस आई इनटू आर इक्विवेलेंट दिस इज 0, तो यहां से कितना आता है आई आई
तो R equivalent is equals to 10. तो ये दोनों सेम सर्किट है, इन दोनों को दोनों रेजिस्टेंस को क्लब करके मुझे एक R equivalent रेजिस्टर बनाना है और करंट सेम होना चाहिए. अगर R equivalent मतलब कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या होगी उससे करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो करंट तो दोनों ही केसेस में सेम होना चाहिए. तो अब ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है. अब यहाँ से क्या पता चलता है, आई आर वन प्लस आर टू बराबर कितना, आई आर इक्विवेलेंट इसे क्या आया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, आर वन प्लस आर टू. अगर सीरीज में रेजिस्टर्स हैं, सीरीज में रेजिस्टर्स हैं तो उनका क्या सेम होता है, सॉरी सीरीज में रेजिस्टेंस होता है तो उनका करंट सेम होता है. उनका क्या होता है, करंट सेम होगा और जो उनका इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, सिंपली उनका एडिशन. तो ये पूछता जो R इक्विवेलेंट है वो क्या इंडिविजुअल रेजिस्टर R1 और R2 से छोटा है कि बड़ा, बड़ा रहेगा. क्यों, क्योंकि संभव हो तो R1 प्लस समथिंग तो अपेस R1 से बड़ा, बोले R2 से R2 प्लस समथिंग तो ये दोनों से ही बड़ा है. अपेस दो नंबर का सम इंडिविजुअल नंबर से तो बड़ा ही होगा. तो ये भी पूछता है नॉर्मल सवाल में कि ये ऐसे कुछ कंडीशंस दे दी कि जब हमने इक्विवेलेंट लिया तो सम ज्यादा आ रहा कम आ रहा, तो ये कंडीशन पूछ सकता है और प्रूफ समझ में आई है. अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये देखो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वी वन, इसके अक्रॉस वोल्टेज गिरा वी टू. देखो जब भी कभी करंट पास करता है तो वहां पे क्या क्रिएट करता है, वोल्टेज गैप. इधर भी क्या क्रिएट करेगा, वोल्टेज गैप. सो जो वी वन है वी वन की वैल्यू कितनी होगी, वी वन आई इंटू आर वन, वी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इंटू आर टू. अच्छा जरा सर्किट से देख के बताओ, आई की वैल्यू कितनी थी तो आर वन की वैल्यू कितनी है, तो वोल्टेज कितना हो गया इसमें, आई की वैल्यू दो रेजिस्टर की वैल्यू कितना हो गया टोटल, तो वी टू की वैल्यू कितनी, वी वन की वैल्यू फोर. तो इनका अगर रेशो पूछे वी वन बाई वी टू तो कितना आ जाएगा, आई आर वन आई आर टू, क्या ये सेम आई आई कट जाएगा, क्या ये रेजिस्टर्स का ही वैल्यू है. तो जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर डेवलप होता है सीरीज में दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. द वोल्टेज इसके अंदर डिवीजन किसका होता है, सीरीज में जो भी बैटरी लगाई है उसके थ्रू करंट तो सेम आता है, डिवीजन किसका होता है, वोल्टेज का. अब दोनों रेजिस्टेंस में कुछ 10 है, इसके पास आया कितना था 4, इसके पास कितना आया था 6, तो बैटरी ने इसको 4 दिया इसको 6. जिसका रेजिस्टेंस कम है उसको कम वोल्टेज, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसको ज्यादा वोल्टेज. बट क्या दोनों में करंट सेम है कि डिफरेंट है, सीरीज मतलब करंट सेम, सीरीज मतलब करंट सेम. सीरीज का मतलब करंट सेम. क्या सोच रहे हो, हट जाएगा क्या पक्का,
तो एकदम क्लियर काम मिलता है। बैग रखो है, बैग बीच में रखो, दोनों बीच में रखो, हमारा साथ छोड़ के देखो किसके साथ बैठा हो क्या। तो अमित को दोस्त बना लिए, पूरा के साथ हो गया, जगह खाली करी, जगह फिल करने के लिए आ गया। ओके, यहाँ तक हुआ ठीक है। एक सिंपल से सवाल ले लो, ये देखो, या आपके पास एक बैटरी है 10 वोल्ट, यहां पे 1 ओम, यहां पे 3 ओम और यहां पे 2 ओम, R1, R2, R3, ठीक है। आपको बताना है फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ठीक है, V1, V2 एंड V3। फर्स्ट सेकेंड क्या बताना है आपको, V2 रेशो V3 बताना है। थर्ड जो है फाइंड करंट, इस सर्किट के थ्रू करंट कितना होगा वो बताना है। हाँ क्या बैटरी दे दी है सब कुछ, V1 रेशो V2 करंट इस सर्किट में करंट कितना होगा, V1 रेशो V2 रेशो V3 बता आ गया, दिख नहीं रहा अच्छा बोलो। ये 6 ओम है और मान लो ये
से हाँ क्या हो ध्यान से सुनो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं वो सेम होते हैं, इन दोनों का ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है ठीक है। और मान लीजिए ये ऐसे एक बैटरी लगा दी हमने, ठीक है बैटरी लगा दी, और बैटरी जो है दैट इज ऑफ 24 वोल्ट, कितने की बैटरी है 24। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट दूसरे वाला बी है, और इससे मान लो कुछ करंट आ रहा है ठीक है, इससे करंट आ रहा है और करंट की वैल्यू मैं मान लू 12, कितना 12 मान 12 एम्पीयर का, तो इस सर्किट को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक ये वाले सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, साथ से तुम्हें पता है 12 है 24 था ना, ये आर ठीक, ये आर इक्विवेलेंट। अब बात समझना बेटा, ध्यान से बात समझो, यहां पे 0, यहां पे 24, तो यहां पे भी 24, यहां पे भी 0, तो करंट आई कितना आएगा, करंट आई इज आई इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 24 ठीक है। अच्छा अब दूसरा देखो, ये 24 आ गया ठीक। अच्छा दूसरा ये है कि इसमें इधर 24 इधर कितना 0, तो इसके अक्रॉस करंट मान लो I1, इसके अक्रॉस करंट मान लो I2 ठीक है। तो यहां से I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये करंट I था, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 by 6 R1, और I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 by 3। अच्छा I1 प्लस I2 कितना है, I के बराबर, बट यहां से I कितना है 24 by R इक्विवेलेंट, तो यहां से मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये है 24 by R इक्विवेलेंट, ये है I1 कितना है 24 by R1, ये है 24 by R2, 24 24 कट गया, क्या आ रहा है 1 by R इक्विवेलेंट इज 1 by R1 प्लस, तो 24 ना देता तो भी हो जाता बट ये प्रॉब्लम कराने के लिए। अच्छा R1 की वैल्यू कितनी है 6, तो 24 by 6 कितना हुआ 4, इसकी वैल्यू कितनी है 3, कितना होता 8 एम्पीयर, ये कितना 6, तो I की वैल्यू कितनी, I की वैल्यू R इक्विवेलेंट कितना होता है पता ही है, पैरेलल में कितना होता है 1 by R इक्विवेलेंट इज 1 by R1 प्लस 1 by R। अरे बैटरी जो 24 है वो तो कट ही जाता है, 24 24 ऊपर रहेगा, 10 लिख लो 20 लिख लो कुछ भी लिखो, ये तो सब तो सेम ही हो जाएगा 1 by R इक्विवेलेंट इज 1 by R1 प्लस 1 by R2। जो भी R इक्विवेलेंट अगर दो है, R इक्विवेलेंट अगर सॉरी R1 R2 सिर्फ दो ही है, तो R इक्विवेलेंट R1 इनटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R equivalent can be written as R1 into R2 upon R1 plus R2। तो बिना काम नहीं बता रहे हैं, उसे फॉर्मूला बता रहे हैं, उसे जरा सीखना है।
समझ में आया कितना? सबने लिख लिया? छापो छापो आराम से छापो, लिख पा रहे तो पेंसिल से लिख रहे हैं। तुम आ रहे हो सामने आज के कल आए थे परसों? परसों नहीं आए थे? गाड़ी गई थी। किधर गई थी? खमगाओ ऑटो करके आ रहे थे, लिफ्ट ले लेते हैं जाना जाना। इधर तो वैसे लिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, बॉडी बैठा है क्या बोला पटवा मार के। बस बस बात नहीं बात नहीं। अच्छा अब सुनो अब सुनो, ये जो अपन ने डायग्राम जो बनाया था ना, एक बार वापस बना देता हूँ। ऊपर कितना वोल्ट था? सॉरी कितना ओम था? 600। इधर नीचे कितना ओम था? 3 ओम। तो ये R2 था, ये R1। करंट कितना आ रहा था? 12। देखो अब जैसे ये 12 एम्पियर आया, यहां से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे ये 12 एम्पियर इस जंक्शन पे आया, अब इसके पास कितने रास्ते हुए? दो रास्ते। क्या दोनों में रेजिस्टेंस है? अच्छा 12 को इसमें डिवाइड मारना है, 12 को इसमें जाना है। अच्छा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? किसका ज्यादा है? ऊपर वाले का, R1 का। तो 12 जो एम्पियर करंट आया तो उसने देखा कि मेरे पास दो रास्ते हैं, एक R1 का रास्ता और एक R2 का, दोनों के थ्रू कुछ पास करना है। कौन ज्यादा करंट को अपोज करेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जब ये डिवीजन होता करंट का, तो जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे करंट कितना हुआ? 4 एम्पियर। इधर इधर क्या हुआ? इधर रेजिस्टेंस कम है तो करंट का डिवीजन, इसको ज्यादा करंट का हिस्सा मिला, इसको कितना मिला था? 8 एम्पियर। तो ये चीज अपने को याद रखना है, जब भी करंट का डिवीजन होगा तो जो ज्यादा रेजिस्टेंस रखता, जो ज्यादा रेजिस्टेंस रखता उसका क्या हो जाता? उसके पास में कम करंट जाएगा, जिसका कम रेजिस्टेंस है उस पे, क्योंकि इसको पास पता चलेगा ये मुश्किल है, तो इससे बढ़िया ज्यादा लोगों को यहीं पे भेज दो। ऐसे ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है? वो तो नहीं तो फिर सर्किट लगा के आपने किया ही था। अच्छा इसके अंदर ये करंट जो है I1, ये करंट है I2। तो I1 बाई I2 का रेशियो कितना हो जाएगा? मतलब जनरली अगर मैं वोल्टेज की बात करो, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या रेशियो हो जाएगा? R2 बाई, ठीक है, R2 बाई R1, ये रेशियो हो जाएगा। अच्छा तो ये देखो जरा, I1 ये ऐसा कुछ कर रहा है, ये कर सकता क्या? तो जो I1 है, I1 can be written as total I1 plus I2 can be written as total I. तो इस I1 को उधर ट्रांसफर कर दो, this is R2, R1 plus R2, I1 कितना वैल्यू है? I1 is R2 upon R1 plus R2, इनको ऐड कर दो, कितना होता है ये? 9 ना? 9 होता ना ऐड करने पे, और R2 कितना है? 3। तो 3/9 कितना होगा? 1/3। तो यानी कि जो करंट आ रहा था उसका 1/3 पार्ट किधर जाएगा? इसमें, रिमेनिंग 2/3 किसमें? तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा I2 सिमिलरली, I2 कितना हो जाएगा? R1 upon R1 plus R2 into, जो भी टोटल करंट है वो R1 और R2 में डिवाइड होता है, और कैसे? उनके इनवर्स रेशियो से, उनके इनवर्स रेशियो से। तो अगर आपको रेजिस्टेंस ही दे रखे हैं और बोले ये करंट कितना आ रहा है, कितना उस पार्ट में जाएगा, कितना उस पार्ट में, आप निकाल लोगे। अच्छा मान लो दोनों के ही 6 ओम होते हैं, दोनों में ही 6 ओम 6 ओम होते हैं, तो ये 12 किस रेशियो में जाता? 1:1। समझ में आ रहा है? अगर 12 करंट आता है, दोनों 6 हैं, तो इसमें इसमें 6 चला जाता है, इसमें 6,
मान लो दोनों ही पांच ओम हुए तो ठीक है, इतना ये समझ में आ रहा है क्या? ज्यादा तब तो नहीं है। छाप लो छाप लो उसको छाप लो, ये दोनों पॉइंट्स को छाप लो। ये रेशो पे आपको याद रहना चाहिए, मोर करंट विल पास थ्रू दैट रेजिस्टर विच हैज लोअर रेजिस्टर which has lower resistance. हो गया पक्का? ओके, अब एक और देखो। ये लिखा क्या नहीं, ज्यादा करंट उससे जाएगा जिसका रेजिस्टेंस कम हो, और इनका जो अगर दो रेजिस्टर हो तो ये हो गया। ये दो रेजिस्टर के लिए फॉर्मूला ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यार इनके रेशियोज निकाल लिया, ये 6 है ये 3 है, तो एक ट्वाइस है उसका, तो करंट एक में 1/3 जाएगा दूसरे में 2/3 जाएगा। अच्छा, इसी प्रॉब्लम में अगर हम कुछ ऐसा कर दें, अच्छा ये रेजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये 2 ओम 3 ओम 6 ओम ठीक है, इसका I1 इसका I2 इसका I3, ये किस रेशियोज में ये जो है आई करंट, ये I1 I2 I3 कितना होगा, I1 I2 I3 कितना होगा ये निकालना है अपने को। I1 I2 I3 कितना होगा ये निकालना है। अच्छा, किस वाले रजिस्टर से सबसे ज्यादा करंट जाएगा? फर्स्ट वाले से। सबसे कम ये आखिरी वाले से है ना। चलो मैं सॉल्व कराता हूं इसको, एक क्वेश्चन देख लो, दो वाले तो इजीली कर सकते हैं, जरा तीन वाले देखो। क्वेश्चन छाप लिया इतने बाहर। अच्छा, सारे के सारे ये लोग किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में? 1 और 2 पैरेलल में, 2 और 3 और 1 और 3 तीनों पैरेलल में। तो इनके पैरेलल सीरीज में क्या चीज कॉमन होती है? वोल्टेज। क्या डिफरेंट होती है? करंट। सीरीज में क्या चीज कॉन्स्टेंट रहती है सबकी दोनों दिनों में? करंट। क्या डिफरेंट हो जाता है? वोल्टेज। यहाँ पे सभी का वोल्टेज क्या है? सेम है। तीनों पॉइंट्स तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम होगा, जो भी तीनों रेजिस्टेंस के हैं उनके वोल्टेज सेम होंगे। तो यहाँ पे भी ये बीबी। अच्छा, तो क्या में ये R1 है, ये R2 है, दिस इज R3। क्या मैं बोल सकता हूँ वी इज इक्वल टू I1 R1? तो I1 की वैल्यू कितनी? V/R1। I2 की वैल्यू कितनी? V/R2। I3 की वैल्यू कितनी? V/R3। तो I1 रेशो I2 रेशो I3 किस रेशो में जाएगा? कितना है? V/R1। तो V भी कट गया, R1 R2 और ये 1/R3। तो R1 की वैल्यू कितनी है? 2
इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू, अच्छा ये तो रेशियो में, अब इनको कुछ, इनको ये इंटीजर फॉर्म में है, इनको कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या? कितना करें? मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आएगा? 3, ये कितना आएगा? 2, ये कितना आएगा? 1, तो I1 रेशो I2 रेशो I3 इसमें आएगा 3:2:1, ठीक है? देखो ये किसमें रेशो में? ये 2:3 जो जो आपका आ रहा था, तू समझ में आ रही है? ये कितना समझ में आए? ये पार्ट इजी है, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा आप देखना, ध्यान से सुनो, I1 जो है, I1 उसको अपन कैसे कर सकते हैं? I1 नीचे I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 3 upon, देखो I1 है ना 3, इन सबका समेशन कितना हुआ? 6, तो I1 की वैल्यू कितनी है? 3/6 into what is I1 plus I2 plus I3? I1 plus I2 is capital I, जो भी I है 24 है, तो ये कितना है? This is I, मैं समझ में आ रहा है, इनका सम ये जो रेशियो है ना 1:3:2:1, तो उनको सबका सम ही है, तो ये कितना आएगा? कितना है करंट? 24, कितना आया? तो I1 की वैल्यू 12, समझ में आएगा थोड़ा बहुत? अच्छा दूसरा देखो, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/6, कितना हुआ ये 8 एम्पीयर। अच्छा फिर I3 1/6 × 24 कितना होता है ये? 4 एम्पीयर। तो सबसे कम किस में? थर्ड वाले क्यूएस का रेजिस्टेंस, समझ में आया? कुछ डाउट है? बताओ क्या डाउट है? क्लियर है? अच्छा अरे ज़रा हार्ड तो नहीं है? अच्छा एक चीज आप और कर सकते थे इसमें, इसका R equivalent कितना होगा? R equivalent कितना होगा? 1। देखो एक और मेथड है, उससे इंडिविजुअली आ जाएगा ये, तो आप देख लो ऐसा मेथड तो भी सही है। R equivalent ये मिटाओ, ये वाला पार्ट कितने लोग लिख रहे हैं? ये वाला पार्ट कोई नहीं, कितनों ने पूरा लिख लिया? मेजोरिटी जानता है। ओके सो एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है? आर इक्विवेलेंट निकालो, तो इस सर्किट को सिंपली मैं एक सिंपल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। दिस इज आर इक्विवेलेंट, ये करंट कितना? 24 एम्पियर। आर इक्विवेलेंट कितना है? किसी को डाउट तो नहीं? 1/R equivalent इज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, दिस इज 1। अच्छा करंट कितना है? 24। रेजिस्टेंस कितना है? तो इसे वोल्टेज कितना होगा? 24 volts। तो R1 रेजिस्टर के अक्रॉस कितना होगा? 24। तो V is I1 into R1, इसके अक्रॉस 24। करंट I1, रेजिस्टेंस कितना है? 2। I1 की वैल्यू कितनी है? 12। वही तो आया, ठीक है। अच्छा दूसरा, I2 की वैल्यू कितनी? 24। वोल्टेज है कितना है? 3। I2 की वैल्यू कितनी? 8। I3 की वैल्यू कितना है? 24/6। इससे क्या ये ज्यादा इजी, ठीक है? ये वाला फॉर्मेट भी ठीक है, जिसमें जैसे चमक गया हो कि जो वो करंट जो डिवीजन होता है वो किस रेशियो में होता है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अगर दो रेजिस्टेंस रखे हो, तीन रेजिस्टेंस हो, तो करंट
का जो भी मैंने रेशियो निकाला था वो ही पार्ट मिलेगा। इतना क्लियर है? अच्छा एक एक और ले लो लास्ट प्रॉब्लम, इसके अंदर आपको करंट डिवीजन ही बताना है, फिर और अपन सीरीज पैरेलल आगे करेंगे। इसके अंदर किसी के पास में सीरीज पैरेलल अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, आप सवाल कर सकते हैं इसके, कुछ एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन मेरे को करानी है आपको, कल की क्लास में करेंगे। अब ये मान लो आपके पास में ये है 8 ohm, 8 ohm, 4 ohm, ठीक है, और यहां से करंट आ रहा है 10 एम्पियर, करंट आ रहा है 10 एम्पियर। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, और सर्किट देखा तो दिमाग में चमकना चाहिए। ये 8 आ रहा है किसमें पैरेलल, इक्विवेलेंट कितना हुआ 4 के 4 पैरेलल में कितना होगा 2 नहीं चमकेगा, नहीं चमकेगा ये 8 और 8 अगर इक्वल, सुनो अरे ले देखो, अगर आर इक्विवेलेंट क्या होता था R1 into R2 upon R1 plus R2, अगर R1 R2 सेम हो जाए तो ये R R नीचे क्या हो जाएगा R R कितना हो जाएगा 2R, एक R बन गया, नेट इक्विवेलेंट कितना होता है R/2। अगर दो इक्वल रेजिस्टर्स है तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है R/2, क्या ये दो इक्वल है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हुआ R/2 दैट इज 4, फिर 4 ये और इन दोनों का 4 और 4 का 2, तो ये नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 2 ओम आएगा, ये आई कितना आएगा 10 एम्पीयर, ये आई कितना आएगा 10 एम्पीयर, तो वोल्टेज कितना 20, तो 20/4 करो, 20/4 कितना होगा, तो इसका क्रॉस 5, इसका क्रॉस 5/2 एम्पीयर, इसका क्रॉस 5/2। अच्छा ये लॉजिक देख रहे क्या, ये भी आर है ये भी आर है, दोनों के अक्रॉस सेम ही करंट गया और इसका कम है। अभी देखो ये इस, जो इसका हाफ है, इसका हाफ है तो इसका करंट डबल हो, ये लॉजिक समझ में आ रहा है। देखो इसको आप लिख लिख के भी कर सकते, जो प्रैक्टिस की मैंने थोड़ा ओरल कर दिया, दिक्कत तो नहीं है पक्का। सो अभी इसके और अपने को नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे, कितनों के पास एचसीवी तो नहीं है, चलो ठीक है मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा आपको। Thank you.